अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं रहमान अब्बास, आपका होस्ट। हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोग्राम में खुशामदीद। आज एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं कि अगर देखा जाए तो हर दूसरा जो पर्सन है इसमें मुश्किल में फंसा हुआ है। वो क्या है? स्ट्रेस, डिप्रेशन। अब इससे कैसे बाहर आया जाए? क्या डाइट में ऐसा किया जाए? कौन सी ऐसी ट्रेनिंग की जाए जिससे मसल जो अगर स्टिफ हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से वो रिलैक्स हो जाए। हर जगह किसी ना किसी वजह से हम, मैं भी हूँ, अगर ट्रैफिक आ जाती है वो उसकी वजह से स्ट्रेस आ जाता है, हम गुस्से में फ़ौरन आ जाते हैं क्योंकि हमारी डाइट ऐसी है कि उसकी वजह से हम बूस्टअप जल्दी हो जाते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर अपनी रूटीन में लाया जाए हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल में चेंज हो जाए और हम स्ट्रेस से दूर रहें? क्योंकि स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन है, हाइपरटेंशन है, बीपी आपका हाई हो जाता है और एवरी टाइम आपको सर में पेन, बैक मसल स्टिफ हो जाते हैं, शोल्डर आपके पेन होना शुरू हो जाते हैं। तो हम इस टॉपिक को लेके आज आपको हेल्दी लाइफस्टाइल टिप बताएंगे। वो क्या है? फर्स्ट आपने डाइट में चेंजेस लेके आने हैं, एक अच्छे एनवायरनमेंट में आपने वर्कआउट करना है, काउंसलिंग करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, एक अच्छा सा आप एनवायरनमेंट बनाएं जहां पे वर्कआउट हो, या आप जिम चले जाएं या आप मॉर्निंग वॉक करें ताकि ऑक्सीजन आपके अंदर जाए। हेल्दी आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, वो एक्सरसाइज भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन डाइट में आप चेंजेस ये करें कि हाई प्रोसेस जो ऑयल प्रोसेस चीज़ें उनसे आप दूरें, जंक फूड से आप दूरें, घर का बना हुआ अच्छा हेल्दी फूड आप खाएं, सीजनल जितने भी वेजिटेबल्स आप उन सबको खाएं और खुश रहें, इतना कुछ ना सोचें, दोस्तों से काउंसलिंग करें, बातें करें और वर्कआउट ऐसी जगह पर करें जहाँ पर आपका ग्रुप हो, किसी दोस्त के साथ, ताकि आपका मूड अच्छा हो जाए और हम इस डिप्रेशन से दूर रहें, क्योंकि ये साइलेंट किलर है, आहिस्ता आहिस्ता हमारे मसल को जो है ना ख़त्म करता जाता है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, क्योंकि इससे बैक मसल आपके स्टिफ हो जाते हैं, सर पे दबाव होना शुरू हो जाता है, बैक नेक पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है। फर्स्ट एक्सरसाइज, हाथों को, दोनों हाथों को आप बैक हेड पर ले जाएं और डाउन साइड आपने प्रेस कर। इस एक्सरसाइज को आप कहीं भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ऑफिस में बैठे, चेयर पे बैठे आप कर सकते हैं, लेकिन इसको आप कोशिश करके मॉर्निंग इवनिंग में लाजमी करें। 5 मिनट की एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अब मैं क्या करूं और कौन सी एक्सरसाइज करूं। तो यही बताने के लिए हमारे प्रोग्राम के थ्रू हम यही बताते हैं कि क्या इशू है और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चले फर्स्ट एक्सरसाइज, हाथों को, दोनों हाथों को बैक हेड पे आप लेके और डाउन साइड आपने इनसाइड प्रेस करना है और होल्ड करना है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, हर एक्सरसाइज में ब्रीद इन ब्रीद आउट बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आप एब वर्कआउट करते हो, चाहे आप शोल्डर किसी भी मसल की एक्सरसाइज आप करते हो। देन रिलैक्स, कुछ भी आपने माइंड में नहीं सोचने की क्या जरूरत है, 5 मिनट में क्या हो जाए, कुछ भी ऐसा नहीं, मसल को हमने रिलैक्स करना, क्योंकि टेंशन डिप्रेशन की वजह से मसल स्टिफ हो जाते हैं, ये है इसका मेन रीज़न, जिसके बाद हमें दबाव आना शुरू हो जाते हैं, हम बैक को इस तरह नेक को हिलाना शुरू हो जाते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं बैक पे प्रेशर क्यों है। तो इन्हीं चीज़ों को बताने के लिए आज हेल्थी लाइफस्टाइल टिप में हमने बताना है कि इस मसल को हम कैसे रिलैक्स करें। उसके बाद ये एक्सरसाइजें आपने देखी, लेकिन हमें इनके पर्पस नहीं पता कि हम किस लिए हैं, क्यों हम करते हैं। अब हाथ को स्ट्रेट करने, दूसरे हाथ को इस एल्बो पे, कोहनी पे रख के आपने एक साइड पे टर्न करना है, ताकि आपके स्कैपुला बोन, ट्रैप्स मसल्स, बैक एरिया प्रॉपर स्ट्रेच हो। होल्ड, आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा कि बैक सारे मसल जो ना एक साइड पे स्ट्रेच हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 slowly. Switch, turn, arm straight, और दूसरा हाथ elbow पे, then turn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ईजी, कहीं भी आप करें, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके लाइफ में अगर कोई ऐसा इशू आ गया है तो हम उसको सॉल्व करें, आपको बताएं कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। थर्ड एक्सरसाइज,
दोनों हाथों को आप बैक पे ले जाएं, देन शोल्डर को बैक साइड पे, डाउन फ्रंट साइड नहीं करना, इसको आप बैक साइड पे ले जाएं और नेक डाउन, अपोजिट डायरेक्शन में नेक मसल स्ट्रेच होंगे, रेजिस्टेंस स्ट्रेच फील होगा, देन डाउन एंड होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स, इसको 2-3 टाइम हम कर सकते हैं। अब इसको आपने जो अभी मैं ट्रेनिंग बताने लगा, इसको आप बैठ के कहीं भी आप कर सकते हैं। अगर तो कहीं ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप टोटली रिलैक्स फील करें तो एक्सरसाइज वहाँ पे करें। इसको हम करेंगे अब मैट के ऊपर, मैट पे स्ट्रेट बैठ जाएं और राइट लेग को, लेफ्ट है तो लेफ्ट इसे हम टर्न करते रहेंगे, नी के पास लेफ्ट लेग के लाके फुट फिंगर को हाथों के से नी इनसाइड प्रेस करें, देन नेक डाउन, ब्रीद इन ब्रीद आउट, 10 सेकेंड काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then switch. Okay, leg straight, right leg, foot finger, then down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cool, easy, relax. इस एक्सरसाइज को वैसे भी आपको अच्छा लगेगा। अब उसके बाद दोनों पाँव को आप साथ जोड़ें और एल्बो को नी के ऊपर आके डाउन साइड अप प्रेस करें, देन ब्रीद इन ब्रीद आउट। मैं एल्बो से लेग को नीचे की तरफ प्रेस कर रहा हूँ ताकि मसल्स रिलैक्स हो। 1, 2, 3 आउट, 4 ब्रीद इन ब्रीद आउट, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, रिलैक्स। इसके बाद मैट पे लेग बेंड करके इजी, जैसे बच्चे सोते हैं बेड पे, बॉर्न बेबी, तो सेम लाइक उसी में आपने टोटल इस पोजीशन में आके हाथों को आप बैक पे ले जाएं और रिलैक्स, 10 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, स्विच, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स, टोटल रिलैक्स। ये इजी एक्सरसाइजेस हैं हमें, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि ये डिप्रेशन की वजह से आपके मसल जो हैं कितने स्टिफ हो जाते हैं, पेन हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम पेन के लिए लेने के आदी हो जाते हैं, मसल रिलैक्सेशन के लिए मेडिसिन हम लेना शुरू कर देते हैं। तो हम क्यों ना इसको कंट्रोल करें, डाइट और ट्रेनिंग। डाइट आप करेंगे आपकी बॉडी में जो फ्यूल होगा, ट्रेनिंग आप करेंगे उसी तरह वो अफेक्ट करेगी। अगर जंक फूड होगा, ऑयली प्रोसेस चीज़ें होंगी, तो जब आप ट्रेनिंग करेंगे उसके बाद आपको अजीब सा जो है ना स्टोमिक में प्रेशर फील होगा और सांस भी आपकी ब्रेक होगी, आपको दिल करेगा कि हम ये ना करें। तो लाइट फूड जो इजी डाइजेस्ट हो जाए, लेस कैलोरीज, जिसमें कैलोरीज ज़्यादा ना हो, वो इसका बेहतर हाल ये है कि जो घर में पका हो सीजनल फूड उसको आप लें, और ऑयली प्रोसेस चीज़ों से दूर रहें। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी आपने लाजमी पीना है, और उसके साथ ये एक्सरसाइज करनी है मसल टोटली रिलैक्स गारंटी के साथ। इसको आप फॉलो करें और मुझे ज़रूर बताएं कि ये हमें इससे फ़र्क पड़े। अगर इसके अलावा कोई इशू है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें, मैं इंशाल्लाह विद डाइट एंड ट्रेनिंग उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर डाइट प्लान आपको चाहिए तो हमें मैसेज करें। वेट, हाइट और एज क्या है वो बता के, देन कस्टमाइज वे से डाइट डिज़ाइन करके वो मैं आपको दूंगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, आपका होस्ट रहमान अब्बास,
एक नए टॉपिक के साथ हम दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।